चलिए जल्दी से शुरू कर रहे हैं अपनी क्लास और ये रहा आपका पहला और दूसरा वर्ड ये रहा आप लोगों के सामने चलो यहाँ पर क्या बोलता है यहां बोल रहा है एक्सेस एस, एसेस, है ना तो आपको पता है एक्सेस अगर मैं देखूं तो मैम इसका मतलब होता है जब हम, हमारे पास लिमिट क्रॉस हो जाती है किसी चीज को एक्सीड कर जाना है है ना जब भी कभी हमारे पास लिमिट से कोई चीज एक्सीड हो जाती है। जैसे कि मैं बोलूं कि 50 किलोमीटर पर आर से हमें अपनी गाड़ी चलानी है लेकिन लिमिट जो है वो आपकी 60 हो गई है तो यहाँ पर लिमिट जो है वो एक्सीड हो गई है है ना और आपको दिखाई दे रहा है कि पीपीटी बहुत ही शानदार सी बनी हुई है और साथ साथ में आपको कलरफुल चीजें जब मिलती है तो हमारा दिल कलरफुल हो जाता है और कहीं ना कहीं गार्डन गार्डन हो जाता है ठीक है आपको इस सेशन को ज्यादा से ज्यादा लाइक एंड शेयर करना है शेयर मैक्सिमम करना है तो चलिए जल्दी से यहाँ बोल रहा है एक्सेस का मतलब होता है यहाँ पर एक्सेस की अगर मैं बात करूं तो बोल रहा है अप्रोच करना पहुंच जो होती है जैसे मैं बोलती हूँ ना कि यार ये मैं नहीं कर पा रही हूं, है ना तो पहुंच अप्रोच करना हो जाता है यहां पर जो होता है है आपका वो हो जाता कमिंग टू थ्रोन जब हम किस पे आते हैं जब हम गद्दी पे आ रहे होते हैं किंग क्वीन बन रहे होते हैं राज गद्दी पे जब हम आ रहे होते हैं तो उसको बोलते हैं और एक्सेस का मतलब होता है जब हमारी जो कोई भी चीज जो है वो लिमिट से ज्यादा हो जाए तो हम उसको बोलते हैं एक्सेस है ना कैसे भाई हम कोई भी चीज जो हमारी लिमिट से ज्यादा हो जाएगी अब यहाँ पर जो कि बहुत पूछा जाता है एकसेट, एकसेट एकसेट है एक्सेप्ट एक्सेप्ट और एक्सपेक्ट ना जो कि हमें बड़ा कंफ्यूज करता है अब यहाँ पर एक्सेप्ट का मतलब है कोई चीज को मान लेना कि हमने मान लिया है है ना मान लिया है कि प्यार नहीं है तुमसे ऐसे वाला और लीव मतलब इस चीज को छोड़ देना जैसे मैं बोलू एक्सेप्ट एक्सेप्ट ही और हिम वो क्या है कि वो सबसे ज्यादा अच्छा है है ना उसके अलावा वहां पर सारे लोग कैसे थे अच्छे थे मतलब अलावा क्या हो गया गाइस अलावा साथ-साथ में एक्सपेक्ट का मतलब होता है जब हमें आशा मिलती है जैसे मैं बोलू कि मैं ये एक्सपेक्ट कर रही हूं कि ये वाले पीडीएफ के बाद आप बहुत अच्छा अपने पेपर में करने वाले हैं तो ये रही आप लोग का सेकंड नंबर क्वेश्चन और ऑल्टर और ऑल्तार की जो अगर मैं बात करूं यहां पर तो गाइज यहाँ पर है ऑल्टर का मतलब होता है जब हम किसी चीज में कोई चेंज करा देते हैं है ना जैसे आप बोलो कि मैडम एक्सेल साइज की मुझे कोई ड्रेस मिली मुझे वो करवानी है लार्ज में तो आपने क्या करा है उस ड्रेस को आपने ऑल्टर करा दिया है ठीक है अब यहाँ पर मैं ऑल्टार की बात करूं एक ऐसा प्लेस जहां पर हम पूजा अर्चना करते हैं है ना जहां पूजा करते हैं वो आपका आ, हो जाता है अगर यहाँ पर लेकिन दोनों का मीनिंग अलग अलग है और एक्सेंट की बात करूं तो इसका मतलब क्या होता है जब हम आगे बढ़ रहे होते हैं है ना? जैसे कि हम क्या कोई चीज इसमें बोलो ना कि हम किसी चीज के ऊपर जब हम चढ़ाई कर रहे होते हैं क्लाइंबिंग का मतलब है चढ़ाई कर जाना तो वो आपका एक्सेंट हो जाता है